हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो हम लोग टॉर्क के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे कि एक सिंगल पार्टिकल पे टॉर्क कैसे एग्जर्ट होता है और उस टॉर्क को हम कैसे कैलकुलेट करें। देखो, अभी तक हम लोग जो टॉर्क के बारे में बात कर रहे थे वो एक रिजिड बॉडी की बात थी, ठीक है। एक रिजिड बॉडी पर टॉर्क एग्जर्ट हो रहा था। अगर मान लो एक रिजिड बॉडी यहाँ पर है, उसको हमने किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो इस लाइन के अलॉन्ग फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब क्या, अब ये रोटेट हो सकता है और उस रोटेशन का एक्सिस जो होगा वो ऐसे पास होगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग ये रोटेट होगा। अब अगर मैं यहाँ पे कहीं फोर्स लगाता हूँ, तो हमने टॉर्क कैलकुलेट किया था ये आर एफ साइन थीटा, तो ये जो टॉर्क यहाँ पे कैलकुलेट होगा इट विल बी अबाउट एन एक्सिस, जिस एक्सिस के अलॉन्ग ये बॉडी रोटेट हो रहा है उस एक्सिस के अबाउट हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रहा है? ये केस हो गया किसका, एक रिजिड बॉडी का, विच इज़ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स का ये रिजिड बॉडी एक सिस्टम है, तो वो पूरा का पूरा बॉडी एक एक्सिस के अलॉन्ग घूमेगा, सो टॉर्क विल बी कैलकुलेटेड अबाउट एन एक्सिस। अगर सपोज करो आप एक्सिस चेंज कर दो, मान लो ये इस एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे एक्सिस पास हो रहा है और इस एक्सिस के अलॉन्ग ये घूम रहा है, तो ऐसे केस में टॉर्क का वैल्यू चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दिया। अब आपका जो टॉर्क होगा वो इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया जाएगा। सो इन केस ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, टॉर्क इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग एक सिंगल पार्टिकल, ये सिंगल पार्टिकल नहीं है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, राइट। बहुत सारे पार्टिकल्स का मिलकर एक रिजिड बॉडी बनता है। अगर मेरे पास एक सिंगल पार्टिकल है, जैसे मान लो यहाँ पे एक सिंगल पार्टिकल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और इस पर किसी ने फोर्स लगा दिया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया किसी ने, तो अब हम टॉर्क कैसे कैलकुलेट करें। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर एक सिंगल पार्टिकल होगा देन टॉर्क विल ऑलवेज बी अबाउट अ पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस का मीनिंग नहीं होगा क्योंकि ये रोटेट नहीं कर रहा है पार्टिकल। देखो, एक सिंगल पार्टिकल है तो वो या तो स्ट्रेट लाइन में जा सकती है, कर्व में जा सकती है, रोटेशन का तो कोई मीनिंग नहीं है ना। रोटेशन इज ऑलवेज फॉर अ बॉडी, अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि टॉर्क इज ऑलवेज अबाउट अ पॉइंट। अगर हम एक सिंगल पार्टिकल की बात करें, ठीक है, एक सिंगल पार्टिकल की बात करें, देन टॉर्क इज ऑलवेज अबाउट अ पॉइंट, ठीक है। जैसे वहाँ एक्सिस बदल देने से आपका टॉर्क का वैल्यू बदल जा रहा था, वैसे ही अगर आप यहाँ पे पॉइंट बदल दोगे तो फिर टॉर्क का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करूंगा तो वैल्यू अलग आएगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करूंगा तो वैल्यू अलग आएगा। अब ये टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो पहले चीज़ तो ये आपको पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा कि आपको किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो मान लो मुझे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आपको कैलकुलेट करना होगा उसको आप ओरिजिन मान लो। मान लो आपको कैलकुलेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, तो इसको आप ओरिजिन मान लो और ये जो पार्टिकल है इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दो। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, ये ओरिजिन से हम लोग पार्टिकल तक जो वेक्टर ड्रॉ करते हैं इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है। टॉर्क अबाउट ए कैसे कैलकुलेट होगा, देखो ये वेक्टर आर जो है विच इज अ पोजीशन वेक्टर जो हमने इस पॉइंट से ड्रॉ किया है जिस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है, ये आर वेक्टर है और इस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस आर वेक्टर और फोर्स के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो फॉर्मूला आपका वही रहने वाला है जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, विच इज़ आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड। और अगर वेक्टर के फॉर्म में देखा जाए तो टॉर्क इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ, यानी कि टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस पोजिशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ, ठीक है। तो ये वेक्टर याद रखना, इसका ये मैग्नीट्यूड होगा आर एफ साइन थीटा, वेर थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड एफ, वेक्टर आर और एफ के बीच का जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे थीटा लिया हुआ है। तो मैं ये टॉर्क वाला फॉर्मूला जो है वो यहीं पे रहने देता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो जब मैं लिखता हूँ यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ठीक है, तो इसको और दो तरीके से समझा जा सकता है। या तो आप इसको ऐसे लिख दो, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर साइन थीटा, एंड दिस आर साइन थीटा इज नथिंग बट आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर का क्या मतलब है,
ये रिजिड बॉडी के केस में हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे. करना क्या है देखो, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, क्या करेंगे कि ये जो आपका फोर्स है उस फोर्स वाले लाइन को एक्सटेंड कर दो पूरी तरह से, और ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. जो फोर्स वाली लाइन है इसको अगर आपने एक्सटेंड कर दिया तो इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, एफ मल्टीप्लाइड बाय आर परपेंडिकुलर. आर परपेंडिकुलर क्या होता है, ये जो लाइन है इसका जिस पॉइंट से आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे आ जाएगा, दिस इज योर आर परपेंडिकुलर. ठीक है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा ना, आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो ये जो आर साइन थीटा है वही आर परपेंडिकुलर है. यहाँ से भी जो ये आर परपेंडिकुलर का वैल्यू है आपको आर साइन थीटा ही मिलेगा. देखो ध्यान से कैसे, इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा साइन थीटा का वैल्यू. दिस साइड थीटा के ऑपोजिट दिस इज आर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा इसका आर होगा. सो आर, तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि आर परपेंडिकुलर इज नथिंग आर साइन थीटा. समझ में आ रहा है. तो आप सिंपली टॉर्क कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, ये जो पोजिशन वैक्टर आर है अगर इसका मैग्नीट्यूड हमको पता है दिस आर, और फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है एफ, और उन दोनों के बीच का एंगल पता है थीटा, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा. क्लियर है, तो ये फॉर्मूले से आ गया. इसी को थोड़ा हमने मॉडिफाई करके लिख दिया आर परपेंडिकुलर, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर एक ही चीज़ है. अब आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है फोर्स के लाइन को एक्सटेंड कर दो, और जिस पॉइंट से हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दो, तो ये आर परपेंडिकुलर. ठीक है, तो आप फोर्स का मैग्नीट्यूड और ये आर परपेंडिकुलर का वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो टॉर्क आएगा. देखो ये फॉर्मूले से टॉर्क निकालोगे एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ है, राइट. इसको एक और तरीके से देखा जा सकता है. देखो मैं टॉर्क को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ अगर ये समझ में आ गया हो तो. देखो टॉर्क था आपका आर एफ साइन थीटा, ये था ना, मैं एफ साइन थीटा को साथ में ले लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर. ये भी देख सकते हो आप. अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे रीड्रॉ कर रहा हूँ. देखो पॉइंट ए है यहाँ पे, और यहाँ से आपका पार्टिकल यहाँ पे था जिसको फोर्स यहाँ लग रहा है. ठीक है, तो ये फोर्स एफ हो गया, ये वेक्टर आर हो गया. अब मुझे निकालना क्या है बताओ, टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट ए. तो ये इस केस में देखो करना क्या है, आप जो फोर्स है फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो. देखो ये एंगल थीटा है हमको पता है, दिस इज वेक्टर, और ये एंगल थीटा है, बस ऐसे ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज योर फोर्स, ये एंगल थीटा वेक्टर आर और एफ के बीच का. तो फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड करो, एक कंपोनेंट उसका वेक्टर आर के अलॉन्ग होना चाहिए ये वाला. तो ये कंपोनेंट जो होगा हम लोग को पता है, ये कंपोनेंट फोर्स के साथ एंगल बना रहा है, सो इट विल बी एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट और आ जाएगा एंड दिस विल बी एफ साइन थीटा. अब इस वेक्टर को भूल जाओ, क्योंकि इस फोर्स को तुमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रखा है, तो अब इस फोर्स को भूल जाओ. हमारे पास इसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट जो वेक्टर आर के अलोंग एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट जो वेक्टर आर के परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा. समझ में आया, यहाँ पे फॉर्मूले में देखो एफ साइन थीटा जो है इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर, क्लियरली दिख रहा है. तो बस ये वाला जो कंपोनेंट है ना, इसका जो भी वैल्यू होगा वही आपका एफ परपेंडिकुलर है. सो दिस एफ साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ दिस फोर्स, किसके परपेंडिकुलर, वेक्टर आर के परपेंडिकुलर. तो इसी को हमने एफ परपेंडिकुलर लिख दिया. ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला तीनों एक ही चीज़ है, एक ही से हमने उसको अलग अलग तरीके से लिख रखा है. तो आप किसी भी तरीके से टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको आर एफ और थीटा, पर इसमें चीज़ें पता होनी चाहिए. आर मतलब ये वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड, और थीटा वेक्टर आर और एफ के बीच का एंगल है. तीनों चीज़ें यहाँ पे डाल दो, टॉर्क मिल जाएगा. या फिर आप काम कर सकते हो,
कि फोर्स वाले लाइन को एक्सटेंड कर दो, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये परपेंडिकुलर का वैल्यू और फोर्स का वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई कर दो, टॉर्क मिल जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। या फिर एक काम कर सकते हो आप, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड पता है, एफ का क्या करना है, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट लेना है आर के, दैट इज एफ साइन थीटा, इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टॉर्क मिल जाएगा। ठीक है, तीनों तरीके से आपको सेम आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया कि टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके मैग्नीट्यूड के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, आर एफ साइन थीटा, इसके डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, अब ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसका डायरेक्शन कैसे देते हैं ये आप लोगों को पता है। तो पहला वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ खींच के लेके जाना है, और आपका थंब का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, टॉर्क का डायरेक्शन होगा। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब मैं बात कर रहा था टॉर्क रिजिड बॉडी का। यहाँ पे भी देख लेते हैं, जैसे मान लो एक पार्टिकल है, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दिस इज एफ, और किसी ने कहा कि मुझे इस पॉइंट के अबाउट कितना टॉर्क कैलकुलेट करके बताओ, पॉइंट अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ इस पार्टिकल पे अगर सपोज करो इस डायरेक्शन में फोर्स लगे तो कितना टॉर्क होगा, तो क्या करेंगे बताओ, पॉइंट ओ से हम पहले एक पोजिशन वैक्टर ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज अ वैक्टर आर इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ध्यान रखो, ठीक है, ये रहा डायरेक्शन, ये वेक्टर आर का डायरेक्शन है, कहाँ पे, यहाँ पे, इनके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल होगा थीटा। सो दिस इज योर वेक्टर आर, ये वेक्टर आर का डायरेक्शन, ये एफ का डायरेक्शन, आर क्रॉस एफ का जो डायरेक्शन होगा ये टॉर्क का डायरेक्शन होगा। तो करना क्या है, देखो वेक्टर आर पर अपने फिंगर्स रखने और आर को एफ की तरफ इस तरह से खींच के लेके जाना है, थंब का जो डायरेक्शन होगा वो थंब का डायरेक्शन टॉर्क का डायरेक्शन होगा। सो आर क्रॉस एफ विल बी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड कमिंग आउट ऑफ इट, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा बाहर की ओर टॉर्क का। इन केस अगर सपोज करो फोर्स नीचे लग रहा हो, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे किसी ने बोला कि ये फोर्स जो है वो नीचे लग रहा है ऐसे, अब बताओ इस पर टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, तो आप देखो फोर्स और ये वेक्टर आर ऊपर जा रहा है, इसके बीच में एंगल ये थीटा हो गया, अब क्या करेंगे बताओ, ये देखो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये फोर्स और ये जो वेक्टर आर है वो दोनों बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, तो अब मैं टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालूंगा, आर क्रॉस एफ, आर पे उंगली रखनी है और खींच के एफ के पास ले जाना है, थंब का डायरेक्शन अंदर की ओर, इसका मतलब टॉर्क का डायरेक्शन जो है बोर्ड के परपेंडिकुलर अब अंदर की ओर होगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप टॉर्क का डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकल गया, उसके अलावा इसका एसआई यूनिट और डायमेंशन, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, टॉर्क का जो डायमेंशन होता है वो होता है M1 L2 T-2, ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि टॉर्क जो है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस है, तो फोर्स का डायमेंशन M1 L1 T-2 होता है, ठीक है, तो ये फोर्स हो गया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नथिंग बट L1, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, M1 L2 T-2, दिस इज डायमेंशन ऑफ टॉर्क, और इसका यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, एसआई यूनिट होगा टॉर्क का न्यूटन मीटर, फोर्स इनटू डिस्टेंस है ना, तो न्यूटन मीटर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉर्क ऑन अ सिंगल पार्टिकल, हम सिंगल पार्टिकल पे टॉर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये हम लोगों ने चेक किया। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर एक रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो उसका जो हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं उसका एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।